नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी मिल के वर्तमान गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत पिराई सत्र के गन्ने का किसानों को भुगतान किया जा चुका है तथा वर्तमान पिराई सत्र के दौरान भी किसानों को निर्धारित अवधि में गन्ने का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल की वर्तमान पिराई सत्र के दौरान 40 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष चीनी रिकवरी दर का लक्ष्य 10.25% रखा गया है, जिससे 4.10 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। चीनी मिल द्वारा गत पिराई सत्र के दौरान 40.43 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी तथा गत वर्ष चीनी की रिकवरी दर 10.20% रही थी। चीनी मिल द्वारा गत वर्ष 4.11 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता विभाग में आपसी सहयोग से ही सफलता संभव होती है। कैथल सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक जगदीप सिंह ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथिगण का स्वागत करते हुए आश्वासित किया कि मिल कर्मचारियों एवं गन्ना किसानों के बेहतर तालमेल से मिल का संचालन किया जाएगा। मिल प्रबंधन द्वारा किसानों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए किसानों को चीनी व ट्रैक्टरों हेतु डीजल शुगर मिल के पेट्रोल पंप से किसानों द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने के वाउचर के आधार पर मिलेगा। गन्ने की पर्ची व तोल बारे किसानों को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा किसानों को गन्ने की फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों की रोकथाम हेतु ब्याज मुक्त रन पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। तो आज जो कैथल के अंदर जो सहकारी मिल का जो पिराई का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं सभी कैथल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये शुगर मिल अच्छी चले और जो किसानों का गन्ना है वो सारा आए और पिराई हो और किसानों को इसका फ़ायदा मिले। और आप जैसे आपने पूछा कि मिल कैसे अच्छी चलेंगी, तो उसके लिए हम जो भी मिल के अंदर मशीनरी में कोई दिक्कत होगी या स्टाफ में कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शुगर मिल अच्छी चले। सर, हरियाणा के जो भी मान लो स्टाफ की है या मिल्स में कोई मशीनरी में कोई दिक्कत है, उनको हम सबको दूर करेंगे और सुचारू रूप से उनको चलाने का प्रयास करेंगे और जो भी घाटा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, किसानों का कहना है प्रयास रहेगा कि हमारे जो हरियाणा के जो भी किसान हैं, गन्ना उत्पादक हैं, उनका सारा गन्ना खरीदा जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें सबसे पहले तो जो हमारे गन्ने की उपलब्धता है वो लगभग 40 लाख क्विंटल के आसपास ही है। एरिया जो है वो थोड़ा सा घटा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि पर एकड़ जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो इस बार थोड़ी सी बेटर रहेगी और उसी के हिसाब से हमने बॉन्डिंग की है। तो 40 लाख क्विंटल के आसपास हमें उम्मीद है कि जो गन्ना है वो हमें उपलब्ध रहेगा। देखिए, एक तो ये है कि जो हमारा केन स्टाफ है वो टाइम टू टाइम जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं प्लांटिंग के टाइम पे या फिर सीड के टाइम पे या कौन सा नया सीड आया हुआ है, वो उनको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स लगाते हैं और उनको उसके बारे में अवेयर करवाते हैं। दूसरा, जहाँ तक मदद की बात है, उसमें जो सीड है, जो बीज है, उसका भुगतान भी जो है हमारे गन्ना किसानों के लिए उसका भी प्रबंध जो है एक मिल के द्वारा ही किया जाता है। किसानों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो लगभग 20-25 दिन पहले हमसे मिला है और पहले सीजन्स में भी उनकी कुछ डिमांड्स रही हैं कि यहाँ पे जो किसान आते हैं उनके लिए बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं होती, पीने का पानी और जो शौचालय वगैरह है उनका प्रबंध, और क्योंकि मिल का जो कार्य है वो रात को भी चलता है तो जो लाइट वगैरह है और जो प्रकाश है उसका उस एरिया के अंदर अच्छा प्रबंध नहीं होता, तो उसके संबंध में इस बार हमने अतिरिक्त वहाँ पे जो कमरे हैं उसके अंदर गद्दे वगैरह और जो बेड है उनका अधिक वो करवाया है हमने प्रबंध, और पीने के पानी की, शौचालय की और लाइट वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी रहेगी,
और जो तख्त वगैरह हैं उनके ऊपर भी हमने इस बार गद्दे जो हैं वो लगवाए हैं, ताकि जो हमारे किसान भाई आते हैं उनको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो पिछली बार हमारा प्रदर्शन था उससे बेहतर करें, और उसमें जो है हमें हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है और जो किसान हैं उनका जो है सहयोग इसमें हमें चाहिएगा। और किसानों से मेरी गुजारिश है कि जो गन्ना है वो साफ़ और ताज़ा गन्ना लेके आएं, और बहुत पहले जो है गन्ने को छीलें ना, क्योंकि जैसे ही गन्ने की छिलाई हो जाती है उसमें जो शुगर कंटेंट है वो उसी टाइम कम होने लग जाता है। तो पुराना और बासी अगर गन्ना होगा तो उसमें जो शुगर की रिकवरी जो है वो कम आती है। तो किसान देखिए, पेमेंट जो है वो हमारी स्टेट्यूटरी जो बाउंडिंग्स हैं उनके अंदर हम करते हैं, और उसके साथ साथ जो किसान आते हैं, हम अब की बार ये भी एक तरीके से हमने सोच के रखा है कि कम से कम यार्ड में जो है पर्ची सिस्टम इस तरीके से चले कि यार्ड हमारा जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, और यार्ड में अगर ट्रॉलीज की संख्या कम होगी तो वेटिंग पीरियड जो है क्रशिंग के लिए ट्रॉली का आने में और क्रशिंग में वो भी कम रहेगा। इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज मिल का जो पिराई सत्र है उसके शुभारंभ में वो शामिल हुए, और सरकार दोनों के बीच में उसके लिए मैं सभी कैथल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये शुगर मिल बड़ी अच्छी चले। और जो हमने टारगेट रखा हुआ है पिछली बार, जैसे कि मेरे को बताया गया कि 40 लाख क्विंटल से भी ज़्यादा यहाँ पिराई हुई, अब की बार भी इससे ज़्यादा ही टारगेट रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले सालों में ये शुगर मिल अपना काम कर रही है तो ये टारगेट पूरा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिस तरह से रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है कि किसी भी किसान की जो गन्ने की जो बकाया नहीं है, सभी जो गन्ने का जो भी बकाया था वो सब दिया हुआ है, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अभी जो भी गन्ना आएगा उसकी सारी कीमत हम समय पर देंगे। और किसी भी किसान का गन्ना नहीं रहे ये हमारा प्रयास रहेगा, और सारा गन्ना हम किसान का खरीदेंगे। अभी मैंने एमडी साहब से भी ये कहा है कि भाई किसानों का सारा गन्ना खरीदेंगे।